अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर है राजस्थान जयपुर से, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से रविंद्र मंच पर बसंत जश्न 2022 पर कोई सम्मेलन और शायरी का इनेकाद किया गया, जहां पर बड़े बड़े शायरों ने शिरकत की और मुशायरे की निजामात लोकेश कुमार साहिल ने की। वहीं पर तस्नीम टीवी के नामा निगार से मशहूर शायर अजीम शाकिर साहब ने बातचीत करते हुए कहा कि इस मुशायरे का मकसद सिर्फ प्यार की शमा को जलाना है। साथ ही शकील साहब ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान में पहली बार किसी ने उर्दू का चैनल खोला है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो आज इस मुशायरे का इनकार किया गया है और किस मौजू पर है, और आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। ये मुशायरे का मौजू जो है वो तो शायद मेरा ख्याल है बदलते हुए मौसम की बहारों का मौसम बाहर के लिए है, बसंत के लिए है ख़ास तौर से। लेकिन बसंत का भी पैगाम ये है कि लोगों तक मोहब्बत पहुँचे जी, और मोहब्बत जाहिर है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो मोहब्बत की कमी है। तो मैं समझता हूँ जाहिर है कि मौज़म साहब हैं और ये लोग जो इदारा जो कर रहा है ये प्रोग्राम, तो ये सब लोग एक मोहब्बतों का परचम बुलंद कर रहे हैं यहाँ। मैं समझता हूँ जाहिर है कि इसमें कामयाब भी हो रहे हैं हम लोग, और इस इन नफ़रतों के माहौल में अगर एक शम्मा भी जल रही है मोहब्बत की तो वो काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ऐसे माहौल के अंदर हमें जो है मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत की शमा को जलाना है, तो चलिए अब हम इनसे सुनते हैं इनके अशार। सर, अपने अशार से हमें नवाजिए। लहू आँखों में आकर जम गया है, ये दरिया बहते बहते थम गया है, ये आँखें फिर बरसना चाहती हैं, अभी बरसात का मौसम गया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं शकील साहब, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आज उर्दू एक मीठी जबान है, इसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, इसको फ़रोग नहीं दिया जा रहा, तो ये राजस्थान का जो हमारा पहला उर्दू चैनल है, इकलौता चैनल है, तो इसके बारे में ये हमें बताएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर के कि राजस्थान में पहली बार उर्दू के लिए किसी ने चैनल शुरू किया है। तस्नीम चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये पहल की, और इसकी तरक्की के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगा और हमेशा मैं ये चाहूँगा कि ये चैनल बहुत आगे जाए। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, अब हमारे साथ शहराज अली ज़ैदी साहब जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम जानेंगे मुशायरे के बारे में तफसील से। जी सर, आप बताएं मुशायरे के बारे में। देखिए, कला साहित्य और संस्कृति विभाग अमृत महोत्सव की जो कार्यक्रम की परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जो मंत्री महोदय हैं विभाग के, बी डी कला साहब, उनके निर्देश और हमारी जो प्रशासनिक मुखिया हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर गायत्री राठौर मैडम, उनके मार्गदर्शन से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है। इसमें देश के ख्याति प्राप्त जो शायर और कवि हैं वो शिरकत कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राजस्थान के पहले उर्दू टीवी चैनल को कि आप जो पत्रकारिता के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए एक आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता में एक अपने नए कीर्तिमान ये चैनल स्थापित करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।